नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टिल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर में अपराधी हुए बेखौफ, सरेआम मजदूर को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे भागलपुर, कहा डेयरी उद्योग को दिया जाएगा बढ़ावा। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, कार्य में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में सारी तैयारी हुई पूरी, 16 जनवरी से होगा टीकाकरण। और नौगछिया में हुई गोलीबारी में एक युवक हुआ घायल, विधायक बोले गोली मारना कोई अपराध नहीं। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में हत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहदी नगर मोहल्ले का है, जब सरेआम बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यक्ति की पहचान स्थानीय निवासी सलूचन चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र पंकज चौधरी के रूप में हुई। वही घटना को लेकर मृतक के भाई मनीष चौधरी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व इलाके की किसी भूषण चौधरी से उसके परिवार का आपसी विवाद चल रहा था। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह जब दोनों भाई काम पर जा रहे थे, तभी भूषण के भाई पंकज चौधरी व अन्य साथी समेत तीन अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान काफी गोली लग जाने के कारण पंकज वहीं अचेत अवस्था में गिर गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में इलाज के लिए पंकज को JLNMCH अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की खबर मिलते ही सिटी ASP पूरन झा अस्पताल पहुंचे और घटना को लेकर मृतक के परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चौधरी नाम के युवक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या, दृष्टया तो यही आ रहा है कि इनके और इनके परिवार के ही सदस्यों के बीच में पुराना रंजिश रही हुई है, जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा हुआ है। उसी एंगल पे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भैया काम पे जा रहे थे, उधर से राहुल चौधरी मिठू चौधरी और शुभम आया और राहुल चौधरी फायरिंग किया तो मेरा भैया को लग गया। तो फिर शुभम मेरे ऊपर फायरिंग किया तो हम थोड़ा सा दूर भागे और मेरा भैया को पकड़ के कनपट्टी में यहाँ पे दूसरा गोली मारा गया। बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी बुधवार को अपने भागलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भागलपुर डेयरी के अधिकारियों ने किया। मंत्री मुकेश सहनी सबसे पहले भागलपुर सुधा डेयरी पहुंचे, जहां विक्रमशिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्वागत बुके और अंगवस्त्र देकर किया गया। वहीं मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है और इसी को लेकर वे पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। सनफ मल्ला के नाम से प्रचलित मुकेश सहनी ने कहा कि निशा समुदाय की लड़ाई लड़कर वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और सरकार से मिली जिम्मेदारियों के साथ मछुआरा समुदाय के विकास के हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही मंत्री ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर प्रबंधन से जानकारी ली और कई दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर निषाद विकास संघ के अध्यक्ष कामदेव प्रसाद, प्रदेश महासचिव अबुल हसन, सोशल मीडिया प्रभारी संदीप कुमार समेत भागलपुर डेयरी के अधिकारी कर्मचारी और विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर पहुंचे हैं पूर्णिया होते हुए और सभी जगह जो खास करके हमें मंत्रिमंडल में जगह मिला है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है जिसमें जवाबदेही हमें मिला है, जिसमें हम चाहेंगे कि एक्चुअल जानकारी प्राप्त करें ताकि हम आने वाले समय में बेहतर पॉलिसी बनाएं ताकि हम बिहार के युवा को रोजगार दे सके। हमारे सरकार का लक्ष्य है कि 20 लाख युवा को रोजगार देना, उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को पीरपैंती प्रखंड के प्रखंड कार्यालय, RTPS कार्यालय और अंजर कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DM ने मोटेशन के लंबित पड़े मामले का 10 दिन के अंदर निष्पादन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यदि 10 दिन के अंदर कार्य में सुधार नहीं होंगे तो RTPS के प्रावधान के तहत अंचलाधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा जो उनके वेतन से कटेगा। वहीं जिलाधिकारी ने नल जल योजना, गली नली
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और धान अधिग्रहण योजना को सुचारू रूप से संपन्न कराने की बात कही। डीएम ने ग्रामीणों की आधार केंद्र संख्या बढ़ाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए 2-4 केंद्र और खुलवाने का निर्देश दिया। मौके पर प्रमुख रश्मि कुमारी, बीडीओ चंदन चक्रवर्ती, सीओ अरुण गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि अरविंद साह समेत अन्य लोगों ने जिलाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया। सर, क्या क्या अवलोकन किया गया और क्या पाया गया? देखिए, हम लोग घूम करके सारे ब्लॉक्स में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, किन बिंदुओं पर और सुधार की आवश्यकता है। उसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो म्यूटेशन के मामले अंचल में लंबित है, उनका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। DCLR साहब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और अगले 10 दिनों में अगर जो पेंडेंसी है उसकी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो हम लोग RTPS के प्रावधान के तहत अंचल अधिकारी पे फाइन भी लगाएंगे और उसमें जुर्माना लगाकर उनकी सैलरी से जो है वो राशि वसूल की जाएगी। मायगंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीन के लिए अलग से सेंटर बनाया गया है, जिसमें पूरी सावधानी के साथ वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई। इसको लेकर COVID-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी से मायगंज अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर चिन्हित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर और तीसरे चरण में 55 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही कहा कि वैक्सीन कोविड के नए स्वरूप से भी लड़ने में कारगर है। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग कोविड की महामारी से जूझ रहे थे। हम लोगों ने इसमें 2-3 बातें जो शुरू में की कि पहले टेस्ट करेंगे, फिर ट्रैकिंग करेंगे और उसके बाद ट्रीट करेंगे। ये 3 T थे हमारे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग। इसके बाद का चौथा स्टेप जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन का। जब वैक्सीन हम देंगे तो कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनेगी और एंटीबॉडी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे उसमें होने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सकेगा। यानी वैसे व्यक्ति जो कोरोना ग्रसित नहीं भी हैं, उन्हें वैक्सीन लेने से उनके शरीर में लड़ने की ताकत आएगी एंटीबॉडीज के द्वारा और उनको कोविड होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। नौगछिया पुलिस जिला में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। गोलियां चला देना वहां के अपराधियों के लिए आम बात हो गई है। ताजा मामला रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी का है, जहां देर रात अपराधियों ने शिव मंदिर के समीप 22 वर्ष मनीष नामक युवक को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे घायल के परिजनों ने उसे नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद घायल को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल के भाई ने बताया कि देर रात निशान शराब पीकर घर के सामने हंगामा करने लगा। उसके बाद मनीष के रोकने पर तो वह चला गया, लेकिन थोड़े समय बाद मनीष को उसके दोस्तों के साथ अकेला देखकर सुनसान रास्ते में उसने उसके सीने पर गोली मार दी और वहां से भाग गया। घायल के भाई ने निशांत पर शराब और हथियार की तस्करी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भी मायागंज अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बहुत कम हुआ है, ये तो दोस्ती में गोली मार दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मरना या मारना अपराध नहीं है और 15 साल पहले अपराध बढ़ा था पर अब अपराध नहीं होता है। कुछ नहीं, इसे दोनों के बीच झड़प हुआ था और मतलब ये भी जब होता, मतलब पारिवारिक होता ना, मतलब गाली गलम दोनों के बीच होता ना आपस में, पापा मम्मी को गाली गलम करता वो भी थे, इसी यही सब हुआ था। उसके बाद वो भी अपना घर चले गया और ये भी जो है मतलब बगल में कोसी नदी है वहीं पे था, शिव मंदिर के पास आया फोर व्हीलर से, मतलब गोली चलाया सीधा फोर व्हीलर से शीशा गिरा के। हत्या काम क्राइम नहीं करो, ऐसे आपसी दोनों दोस्त जी दारे पियो था, इनके होता है दादाजी मर गया, उनका नाम सब निकालता पर ही मारे तो मारे तो फिर घर गया, घर जाने के बाद किसी भी नहीं रहता था, अकेले आ वो है खतरनाक है, खतरनाक लोगों से देख बुरी चला गया। तो मार देना मर जाना ये कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन क्राइम होता रहा जहाँ चलते बकर आदमी को छेड़छाड़ कर। भौगोलिक स्थिति ऐसा है ना, दियरा बेल्ट है, कहते गोली बारूद चलना जमीन विवाद होता है सब कुछ का, ये तो ऐसा ही दारू के मुंह में था। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने नौगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया।
सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार 15 जनवरी को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में वैक्सीन को लाया जाएगा और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 3 कमरों को रिजर्व किया गया है। एक कमरे में लोग वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करेंगे तो दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन दिया जाएगा और तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आधे घंटे तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में पूछे जाने पर सीएस डॉक्टर विजय ने कहा कि वैसे तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इसका मामूली सा साइड इफेक्ट है जिसका लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पेयजल, ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही सीएस ने कहा कि हम लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और लगभग सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना की लड़ाई में आखिरी और विजय दिलवाने वाला ये कदम है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। साथ ही वैक्सीनेशन होने तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में हुए दूध व्यवसायी प्रदीप यादव हत्याकांड मामले में आरोपी पक्ष ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं डीआईजी, डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी जब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर आरोपी बताए जा रहे प्रमोद यादव और उनके पुत्र सुमित व अमित ने राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात कही। वहीं डीआईजी, डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी जब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आरोपी बताए जा रहे प्रमोद यादव ने राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात कही। जबकि आरोपी सुमित यादव का एक बयान पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बरारी थाना प्रभारी द्वारा सही ढंग से जांच नहीं करने और उन्हें और उनके परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। सभी आरोपी पक्ष ने कहा कि यदि उन पर दोष साबित होता है तो वह खुद आत्मसमर्पण कर देंगे। साथ ही कहा कि जांच सही ढंग से नहीं होने पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा और ऐसी हालत में वो राष्ट्रपति से अपनी खुद की इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। मैं सुमित कुमार, भागलपुर के भ्रष्ट प्रशासन एवं नेता का भुक्तभोगी, मुझे एवं मेरे परिवार को बरारी थाना कांड संख्या 549-20 में झूठा केस में फंसाया गया है। एफआईआर में जो मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है वो वर्दी बेचने वाले बरारी थानेदार प्रमोद साह, मुंशी, दलाल
नेता एवं उसके परिवार के द्वारा बनाया गया कहानी है। यदि पुलिस प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने नहीं आता है एवं मेरे पिता और एवं भाई के द्वारा निकाले गए वारंट पर रोक लगा के इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं राष्ट्रपति को ज्ञापन देके अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा। हम एकदम निर्दोष छे, हमरो बेटा बेटी एकदम हमरो बेटा सब ड्यूटी पर, तब पर भी हमरा बेटा के फंसा देल के हमरा पापा भरी कोरोना नहीं निकले रहे, खाली एक सब्जी जाय रहे, सब्जी लेकर घर से निकले नहीं रहे। मकर संक्रांति का त्योहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में तिल और तिल से बने सामग्री की विशेष महत्ता के कारण बाजार तिलकुट दुकान से पटा हुआ है। वहीं गुरुवार को होने वाले पर्व को लेकर लोग इन सामग्रियों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। भागलपुर के मिष्ठान दुकान के अलावा बाजार के चौक चौराहों पर जगह जगह अस्थायी तिलकुट की दुकानें सज चुकी है और गली गली तिल की सौंधी खुशबू से सुगंधित है। वहीं तिलकुट की खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि भारतीय त्योहारों में एकमात्र मकर संक्रांति ही ऐसा त्योहार है जिसके लिए अनुमान 14 जनवरी का दिन प्रत्येक वर्ष निश्चित रहता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वहीं ये पर्व तिथि को ध्यान में रखते हुए कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर तिल की बनी सामग्री, गर्म कपड़े आदि को दान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इधर पर्व को लेकर आज बाजार में लोग तिलकुट, लाड़ू, चूड़ा, मूढ़ी, तिल तकरी आदि की खरीददारी करते दिखे। सर, हम लोग का दुकानदारी एकदम जो है आधा हो गया है। दुकानदारी में जो था, हम लोग को देवघर से आते हैं यहाँ पर जो तिलकुट कूटने के लिए, तो पहले जो आते थे हम लोग को माल अच्छा सेलिंग करते थे, लेकिन अब के साल जो है सर क्योंकि एकदम कोविड के चलते भीड़ भी कम लगता है, तो यहाँ ऐसे जाम रहता है भीड़ के लिए। सब दुकानदार बस समझिएगा कि जो है चल रहा, कोई खुश नहीं है। इस बार किस तरह की तैयारी है? इसी तरीका से तैयारी जब तक किया था, मगर वैसा नहीं लग रहा कि सफल हो सकेगा दुकानदार। तेज रफ्तार से हर रोज जा रही है मासूमों की जान। मामला बीते मंगलवार पर्वत्ता थाना क्षेत्र विक्रमशिला सेतु से सामने आया है, जहां एक हाइवा ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अंचल कार्यालय में कार्यरत 51 वर्षीय कर्मचारी परमानंद शर्मा और नया टोला निवासी दीपक कुमार एक ही मोटरसाइकिल से अपने घर भागलपुर के गुमटी नंबर 12 लालू चक के लिए निकले थे। तभी साहू पेट्रोल पंप के पास से एक हाइवा ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें अंचल कर्मचारी परमानंद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई और दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल दीपक को इलाज के लिए नौगछा अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को भागलपुर रेफर कर दिया गया। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून के विरोध में यह एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी रहे और प्रदर्शन की अध्यक्षता मोहम्मद गुलाम शब्बीर उर्फ पप्पू द्वारा की गई। धरना में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने बताया कि किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन बिल्कुल जायज है और केंद्र सरकार को किसानों के अनुरूप काम करते हुए तीनों कृषि कानून को हटा देना चाहिए। वहीं अगर समय रहते तीनों कृषि कानून को नहीं हटाया गया तो राष्ट्रीय जनता दल किसानों के समर्थन में व्यापक पैमाने पर सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। देखिए, कल से इतना गड़बड़ है, हम आपको इस तरह से बड़ाई करके खरीदे हुए हैं कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बेचारे, ये बिल्कुल अधीन है केंद्र सरकार के गृह विभाग के, कल नहीं चलता है कि लागू। भागलपुर जिला कृषि भवन में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से 43 अनुदेशक अपनी मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर शिक्षा अनुदेशकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इस दौरान जिला सचिव शशि कुमार ने कहा कि नियुक्ति नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की समायोजन हेतु यहां पर कृषि विभाग में 18 जनवरी 2019 को आई हुई थी, क्योंकि हम लोग को उच्च न्यायालय का आदेश भी है हम लोग के पास, और आज तक हम लोग को टरकाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का नियुक्ति होगा, रोस्टर अनुमोदन होकर आएगा, उसके बाद आप लोग को समायोजन कर लेंगे। बार बार यही कहा जाता है, अंत में विवश होकर के
हम लोग यहाँ धरना पर बैठ गए। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर में अपराधी हुए बेखौफ, सरेआम मजदूर को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे भागलपुर, कहा डेयरी उद्योग को दिया जाएगा बढ़ावा। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, कार्य में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में सारी तैयारी हुई पूरी, 16 जनवरी से होगा टीकाकरण। और नौगछिया में हुई गोलीबारी में एक युवक हुआ घायल, विधायक बोले गोली मारना कोई अपराध नहीं। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।